राजस्थान के दो दिग्गज एक साथ दिखे तो दोनों की दोस्ती पर सियासी चर्चा शुरू हो गई। कभी एनडीए का हिस्सा रहे हनुमान बेनीवाल और हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी चेन्नई में एक साथ दिखे। मौका था श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का। मंच पर निर्मल और बेनीवाल एक साथ नजर आए। निर्मल चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कुछ वीडियो डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। निर्मल लिखते हैं कि वीर तेजाजी के भक्तों से ऐसा प्यार मिला कि मन गदगद हो गया। निर्मल ने वीर तेजाजी के भक्तों का आभार भी जताया। पिछले दिनों निर्मल चौधरी एनएसयूआई में शामिल हुए हैं। निर्मल चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट की खूब तारीफ की थी। निर्मल ने कहा है कि वो युवाओं के हक की आवाज़ बनेंगे और युवाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। निर्मल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सचिन पायलट के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी। निर्मल चौधरी अगस्त 2022 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। वो ABVP को हराकर प्रेसिडेंट बने थे। लोकसभा चुनाव से पहले चेन्नई में निर्मल चौधरी और हनुमान बेनीवाल की दोस्ती नए समीकरणों के संकेत दे रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में RLP चीफ हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ उसी तरह से खुलकर खड़े दिखें जैसे वो पहले NDA के साथ खड़े हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।